नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा। और चलिए शुरुआत करते हैं गांव थाने की खबरों की। चलिए शुरुआत करेंगे बाड़मेर के समदड़ी से, जहां पर कर्मावास गांव में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। यहां पर एक नेत्रहीन दंपति को आवास योजना का लाभ मिला है। इनके नवनिर्मित आवास का विधायक हमीर सिंह भायल, प्रधान पिंकी चौधरी, विकास अधिकारी अतुल सोलंकी ने शुभारंभ किया। चूरू के राजल देसर NH11 पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पांच लोग जख्मी हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह वाहनों के एक दूसरे को ओवरटेक करना बताई जा रही है। हादसा इतना भयानक था कि दोनों वाहनों को क्रेन की सहायता से अलग अलग किया गया। शव को निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र के रजोरा खुर्द गांव के पास कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुएं में मिले युवक के शव की पहचान गांव के ही कलुआ के रूप में हुई है। सूचना पाकर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मृतक युवक के शव को बाहर निकलवाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित वाटर कूलर रूम में शव को रखवा दिया गया। टोक में टोडा राय सिंह थाने पर पेट्रोल पंप पर 1 लाख की लूट के बाद फरार हुए लुटेरों ने नाकाबंदी तोड़ते हुए फायरिंग की और फरार हो गए। बता दें कि पहले तो बंदूक की रोक पर पेट्रोल पंप से 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद केकड़ी सावर में देवली में नाकेबंदी करवाई गई थी। जारो के अरनाई गांव में फसल बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मोहनलाल बिश्नोई ने चमली देवी पर फव्वारे की पाइप से हमला कर दिया, जिससे कि उसके सिर पर गहरी चोट लगने से काफी खून बह गया। महिला का मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। महिला की मौत के बाद आरोपी फरार हो गए। सीकर के दातारामगढ़ में दौरे पर रही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से संवाद किया। इससे पहले सीएम ने बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचकर पूजा की और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान सीएम मंदिर में आए श्रद्धालुओं और समर्थकों से खुले दिल से मिली। यहां पर युवक युवतियों ने सीएम के साथ सेल्फी भी ली, जहां से सीएम संतोषपुरा गांव के लिए रवाना हो गए। जनसंवाद स्थल पर सीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिका जन्मदिन भी मनाया। सीएम ने बेटियों और बेटियों को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान किया, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। भीमराड़ा के गुलापुरा में स्थानीय पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें 10 अप्रैल को भारत बंद की अफवाहों पर ध्यान नहीं दे रहे और इसमें शामिल नहीं होने का आह्वान किया गया। सीकर के नीमका थाना में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें एसडीएम जेपी गौड़, डीवाईएसपी दिनेश यादव, कोतवाली थाना अधिकारी रणजीत सिंह सहित सर्व समाज के लोग और व्यापारी मौजूद रहे। एसडीएम गौड़ ने बताया कि 10 अप्रैल को भारत बंद की अफवाहों पर ध्यान न दे, अगर फिर भी ऐसा हुआ तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। उदयपुर के झाड़ोल में उंगना थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें थानाधिकारी ने सड़क दुर्घटना और यातायात संबंधी विशेष अभियान की जानकारी दी। साथ ही सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल को भारत बंद की भ्रामक जानकारी के बारे में भी ग्रामीणों को अवगत करवाया गया। भरतपुर के बैर में 10 अप्रैल को भारत बंद को लेकर एसडीएम सभागार में शांति व्यवस्था को लेकर एसडीएम शंभर दयाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सीओ वासुदेव और कोतवाल विजय सिंह मीणा ने भी भाग लिया। अधिकारियों ने सदस्यों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था में सहयोग देने की अपील की। भरतपुर की डीग में खंडेलवाल धर्मशाला में युवा नेताओं ने बैठक कर 10 अप्रैल को बाजार बंद करवाने का आह्वान किया। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि धारा 144 का कुछ लोगों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और मौजूद लोगों से समझाइश की। भरतपुर के रूपवास कस्बे के थाना परिसर में शांति समिति सीएलजी सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों की बैठक उप निरीक्षक अवजीत कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आए लोगों से 10 और 14 अप्रैल को जबरदस्ती बाजार बंद नहीं कराने, असामाजिक तत्वों से निपटने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने के साथ साथ गुप्त सूचनाएं देने की बात कही। भरतपुर के भुसावर में एसडीएम शंबर दयाल शर्मा ने 10 अप्रैल को कथित बंद की सूचना पर जनप्रतिनिधियों, व्यापार संगठन और सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम शंबर दयाल शर्मा ने पूर्व में बंद के दौरान जिले भर में हुई हिंसक घटनाओं की निंदा करते हुए प्रेम सौहार्द बनाए रखने की अपील की। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड मुख्यालय में अस्थायी पुलिस चौकी में सीएलजी की बैठक एसडीएम के मुख्य अतिथि और सागर थानाधिकारी मूलाराम चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 10 अप्रैल को भारत बंद के बारे में चर्चा की गई, जिसमें आमजन ने कहा कि अभी तक बंद का आह्वान नहीं हुआ है, जिस पर एसडीएम ने कहा कि अफवाहों पर किसी भी प्रकार से ध्यान ना दें। पाली के देसूरी पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं 10 अप्रैल को बंद को लेकर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान किया गया, साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने की भी बात कही गई। भीलवाड़ा के रायला में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 10 अप्रैल को बंद की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान किया गया, साथ ही 14 अप्रैल को कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। दौसा के लालसोट और मंडावरी पुलिस थानों पर शांति समिति की बैठक हुई।
इसमें 10 अप्रैल को भारत बंद की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान किया गया। साथ ही आगामी 14 अप्रैल को कानून व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिए जाने की अपील की। भीलवाड़ा के बागौर थाने में बंद अफीम तस्कर के हवाला तोड़कर फरार होने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने बागौर थाना अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया। थाने में ड्यूटी के दौरान तैनात गार्ड को भी निलंबित कर दिया गया। बता दें कि बागौर थाने से एक अफीम तस्कर खिड़की का सरिया तोड़कर फरार हो गया था। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई थी। प्रतापगढ़ के दरियावद इलाके में इन दिनों पैंथर का आतंक है। पैंथर ने आरामपुर आबादी क्षेत्र के पास जंगल में चढ़ने गई बकरियों पर हमला कर दिया। इस हमले में पैंथर ने करीब आधा दर्जन बकरियों को अपना शिकार बनाया। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने क्षेत्रीय वन अधिकारी को इसकी सूचना दी। जब वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पैंथर चट्टानों में जा घुसा। भरतपुर के रूपवाद वंशी पहाड़पुर से बंद बारेठा तक 2000 से ज्यादा खानों से रोजाना रेड और पिंक पैंथर का पत्थर का अवैध खनन जारी है। ईसीबी ने रूपवाद इलाके में गैंगस्टर और माइंस समेत 11 स्थानों पर छापेमारी की। टीम को हजारों टन एक्स्ट्रा स्टॉक संबंधित दस्तावेज और एक जगह से 10 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। पिछले दिनों ईसीबी ने इस मामले में इंस्पेक्टर अर्पण चौधरी की गिरफ्तारी की थी। जयपुर के कोटपुतली थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष हो गया। आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग भी हुई। फायरिंग में दो लोगों की गोली लगने की बात भी सामने आई है। घटना की सूचना मिलने पर कोटपुतली से पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक मारपीट में दोनों पक्षों के एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। जोधपुर के फरादी में विश्नोई समाज के लोगों ने अभिनेत्री कुनिका सदानंद के खिलाफ समाज पर विवादास्पद टिप्पणी करने को लेकर विरोध जताया। साथ ही एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई करने की भी मांग की गई। बता दें कि एक इंटरव्यू में अभिनेत्री कुनिका ने कहा था कि विश्नोई समाज के लोग खुद वन्य जीवों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में तेज अंधड़ और बारिश के साथ ओलों से फसलों को नुकसान हुआ है। धान मंडी में पड़ी जौ और सरसों की बोरियां भीग गई। बीती रात करीब 1:30 बजे तेज अंधड़ आया, जिसके बाद बारिश के साथ छोटे छोटे ओले गिरे। गनीमत रही कि ओले ज्यादा बड़े और ज्यादा देर तक नहीं गिरे। अंधड़ और ओलावृष्टि से खेतों में पकी पकाई फसलों को मामूली नुकसान होने के समाचार मिले हैं। कोटा के इटावा नगर की पालिका परिसर में विद्युत विभाग की ओर से समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक विद्याशंकर नंदवाना और बिजली विभाग के एसी जसराज मीणा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही शिविर में बीपीएल और एपीएल उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन जारी किए गए और पुराना बकाया बिलों की राशि में छूट देकर जमा करवाई गई। चलिए खबर पंचायत में यहां रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में। चलिए आगे बढ़ेंगे झालावाड़ की खबर के साथ, जहां मनोहर थाना कस्बे में एक दिवसीय प्रवास के दौरान जगतगुरु बालयोगी मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने पत्रकारों के साथ बात करते हुए एमपी सरकार द्वारा 5 साधुओं को मंत्री का दर्जा देने पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस और आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर पर भी जमकर निशाना साधा। बालयोगी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां हो चुकी है, जल्द ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। झालावाड़ के खानपुर में संसदीय सचिव नरेंद्र नागर, प्रधान प्रेमबाई लोधा, मुख्यमंत्री सुराज गौरव उप यात्रा के तहत बकानी पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां गरवाड़ा पहुंचने पर सरपंच राघु सिंह तंवर की अगुवाई में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने 10 लाख से निर्मित अन्न भंडार का लोकार्पण किया। ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। जयपुर के चौमू थाना इलाके में एक दंपति के साथ लूटपाट कर महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुलाकर जांच की। पुलिस के मुताबिक रामगट्टा निवासी राजाराम बागड़ा अपनी पत्नी उर्मिला के साथ जयपुर से दवाई लेकर आ रहा था, तभी स्वप्न लोक कॉलोनी के पास 3 बदमाशों ने बाइक रुकवाई और मारपीट शुरू कर दी। राजधानी के चोमू कालाडेरा कस्बे के रिको इलाके में एक फैक्ट्री के पास फैले कचरे में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं आग की सूचना पर कालाडेरा फायर स्टेशन की दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ऐसे में चोमू फायर स्टेशन से भी 2 दमकलों को मौके के लिए बुलाया गया। जालौर जिले के भीनमाल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया और भाजपा उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने किया। कटारिया ने कहा कि नवनिर्मित 100 बेड का अस्पताल लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। ये जोधपुर संभाग का पहला हाईटेक अस्पताल है। श्रीगंगानगर के वादमपुर में 78 LNP गांव में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से खेत में आग लग गई। साग से करीब 1 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई।
ग्रामीणों ने बताया कि विभाग की लापरवाही से खेत में जगह जगह कारे खुले पड़े हैं। अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की गई लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कोटा के रामगंज मंडी मोड़क थाना इलाके के NH12 पर दरा के पास स्विफ्ट कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार 8 फुट नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों में एक बच्ची 4 महिलाएं शामिल है। सभी घायलों को 108 की मदद से मंडाना हॉस्पिटल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को कोटा रेफर कर दिया गया। बूंदी जिले के नैनवा थाने के दही कस्बे में 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद रिपोर्ट सौंपी है। पुलिस ने बालिका का मेडिकल कराकर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता रोजाना की तरह स्कूल पढ़ने गई थी। स्कूल से लौटते वक्त दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बारा के छपड़ा में भाभी की जिंदगी बचाने जा रहे बाइक सवार जेठ को अपनी मौत के अपने आगोश में ले लिया। नूरपुरा गांव निवासी विवाहिता शिरोजबाई मीना खेत पर काम रही थी तभी उसे सांप ने काट लिया। तब परिजन उसे लेकर छबड़ा रवाना हुए तो उसका जेठ खेमराज मीना भी पीछे पीछे बाइक पर रवाना हो गया। रास्ते में उसकी बाइक कटीखंडी रोड पर दूसरी बाइक से टकरा गई जहां उसने दम तोड़ दिया। जयपुर के कोटपुतली थाने इलाके में कमांडर जीप और पिकअप में टक्कर हो गई। इस हादसे में महिलाओं सहित 15 जने घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक जीप में सवार लोग नारायणपुर से कांकरिया गांव जा रहे थे। इसी दौरान पिकअप ने पीछे से जीप को टक्कर मार दी जिससे कि कमांडर जीप पलटी खा गई। भरतपुर के रूपपास में राजस्थान शिक्षक संघ के निर्वाचन चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक का जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष की देखरेख में सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इसके बाद नवीन कार्यकारिणी का निर्वाचन चुनाव अधिकारी ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। संगठन के सदस्यों ने नवीन कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ की अध्यक्ष भूला सिंह बाजीकर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही समारोह में प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। अजमेर के केकड़ी में सावर मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 1 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने बताया कि कार सवार 5 युवकों ने आते ही बंदूक कनपटी पर टिका दी और 1 लाख से ज्यादा नकद राशि लूट कर मौके से फरार हो गए। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे के सेमला रोड पर मुख्य मार्ग पर जलदाय विभाग द्वारा पानी के लिए किया गया बोरवेल खुला होने के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मंदिर महंत श्यामलाल शर्मा ने बताया कि करीब 3 साल पहले जलदाय विभाग द्वारा वनखेंडी महादेव मंदिर के रास्ते में ट्यूबवेल की खुदाई की गई। अजमेर के सरवाड़ में 1 दिवसीय निःशुल्क शिविर का आयोजन हुआ जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से मरीजों का तांता लगा रहा। इस शिविर में करीब 375 मरीज लाभान्वित हुए जिनमें से 15 मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन के लिए चुना गया। भरतपुर की डीग में गांव पहुंचने स्थित गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग में NGT के आदेशों पर ग्राम पंचायत द्वारा भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में JCB की सहायता से अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। इस दौरान ग्राम पंचायत विकास सचिव कीर्ति जोशी ने अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस दिया था इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। भरतपुर के सेवा उपखंड के निकटवर्ती गांव कुकरा मार्ग पर 2 बाइक की भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए जिन्हें पुलिस द्वारा सेपों CHC अस्पताल लाया गया। घायलों का सेपों में उपचार करने के बाद ज्यादा गंभीर होने के चलते जिला धौलपुर रेफर कर दिया गया। भरतपुर के रूपवास में धौलपुर रोड स्थित एक निजी BEd कॉलेज में आयोजित 6 दिवसीय SUPW शिविर का समापन समारोह प्राचार्य की अध्यक्षता में हुआ। यहाँ प्राचार्य ने शिविर में आयोजित गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। जैसलमेर के रामगढ़ में विधायक छोटू सिंह भाटी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए और विधायक कोटे से बने भवनों का लोकार्पण किया। रामगढ़ में विधायक छोटू सिंह भाटी ने जिले भर में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को दी जिस पर सभी ने आभार जताया। कोटा के रामगंज मंडी में ऊंट और ठेला गाड़ी की हड़ताल के चलते कृषि उपज मंडी परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ पर दरें बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। मंडी में 30,000 बोरी अनाज की आवक आई हुई है जिससे कि 12 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हो रहा है। साथ ही मंडी शुल्क के रूप में राज्य सरकार को 7 लाख रुपए राजस्व का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। उदयपुर के झाड़ोल पिलक में विधायक ने अटल सेवा केंद्र और CC रोड का उद्घाटन किया। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आम सभा भी हुई जिसमें ग्रामीणों को कांग्रेस से जुड़ने का संदेश दिया गया। इस दौरान क्षेत्रीय प्रधान सहित कई लोग मौजूद रहे। उदयपुर के झाड़ोल में औदिच्य ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित हुई जिसमें आगामी परशुराम जयंती पर प्रस्तावित शोभायात्रा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में त्रैमासिक आय व्यय का ब्यौरा रखा गया। वहीं समाज के पंचों ने सामाजिक मामलों का निपटारा भी किया। पाली की देसुरी में केंद्रीय विधि राज्य मंत्री PP चौधरी और ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
इस दौरान मंत्रियों ने लोकार्पण समारोह के शुरू में लोगों के अभाव अभियोग सुने। राजसमंद के आमेट में रेलवे स्टेशन पर भगवान महावीर जिनालय के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती मनाई। इसमें पंच कल्याणक महोत्सव के तहत चौथे दिन भगवान महावीर का भव्य वरघोड़ा निकाला गया। जयपुर के फुलेरा में रेलवे परिसर स्थित सामुदायिक भवन में ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 202 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं पदाधिकारियों द्वारा रक्तदान करने वालों का लोगों ने सम्मान भी किया। चलिए खबर पंचायत में आ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। इसके बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से रुक करते हैं गांव ठाणे की खबरों का। चलिए रुक करेंगे धौलपुर का, जय सेवा उपखंड कस्बे में शिव शक्ति साहित्यिक मंच की ओर से एक शाम भोले बाबा के नाम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्पित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उदयपुर के झाड़ोल में झाड़ोल मार्ग नेताजी का 12 में 3 महीने पहले बनी पुलिया में दरार आ गई है। यहाँ घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के कारण कुछ ही समय में पुलिया धस गई। लोगों ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों ने गुणवत्ता की जांच तक नहीं की। राजसमंद के देवगढ़ नगर पालिका में चेयरमैन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यहाँ 8 में से 4 कांग्रेस पार्षदों ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी है। साथ ही पालिका चेयरमैन अंजना जोशी पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। झालावाड़ के मनोर थाना में नाबालिग युवती से घर में घुसकर रात को छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को 6 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के भिनाए के बड़गांव में करीब 3 करोड़ की लागत से निर्मित कक्षा कक्ष सीसी सड़के गौरव पथ और सामुदायिक भवनों का उद्घाटन हुआ। यहां उपजिला प्रमुख टीकम चौधरी मंडल अध्यक्ष वंश प्रदीप सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। झालावाड़ के अकलेरा नगर की बहुप्रतिष्ठित 56 लाख कॉलोनी पूरी रात अंधेरे में डूबी रही और मोहल्लेवासियों को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ अवैध खनन कर लाई गई रेती के डंपर ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी, जिससे कि बिजली का पोल टूट गया और बिजली गुल हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। अभी भी टूटा बिजली का पोल उसी हाल में पड़ा हुआ है। फोन करने के बाद बिजली बंद कर दी गई, मगर हालात जस के तस है। अजमेर के अराई में विधायक भागीरथ चौधरी ने आकोड़िया और कासीर सहित आसपास के गाँवों में जनसुनवाई की और मौजूद अधिकारियों को निर्देश देकर तुरंत समस्या का समाधान करने की बात कही। इस दौरान विधायक ने विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। आकोड़िया सरपंच करतार में एक वंशी ने ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। भरतपुर के कामा में गांव खेड़ा निवासी एक अपहृत बुजुर्ग अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर घर पहुंचा। बुजुर्ग को 3 अप्रैल को गांव विराट और लालपुर के बीच बलेरो सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था, जिसकी 15 लाख की फिरौती मांग रहे थे। पाली के देसूरी क्षेत्र के माटपुर ग्राम पंचायत के अनेवा ग्राम को जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग 3 किलोमीटर तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिससे कि वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी भारी परेशानी हो रही है। श्री गंगानगर के साधु शहर में भारत विकास परिषद द्वारा वार्ड 19 के संस्कृत स्कूल में एक वाटर कूलर भेंट किया गया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन द्वारा परिषद का स्वागत किया गया। श्री गंगानगर के साधु शहर में ग्राम सेवकों का नाम ग्राम विकास अधिकारी रखने के आदेश जारी होने पर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अध्यक्ष बलतेज सिंह के नेतृत्व में विधायक गुरजन सिंह बराड़ का अभिनंदन किया। इस मौके पर विधायक ने ग्राम विकास अधिकारियों से ग्रामीणों को सरकारी योजना से ज्यादा लाभान्वित करने के लिए कहा। चित्तौड़गढ़ के अकोला क्षेत्र के ताणा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम सांसद सीपी जोशी विधायक अर्जुन लाल जिनकर ने किया। यहाँ राजकीय पशु चिकित्सालय भवन का लोकार्पण, चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही इस मौके पर आदर्श चिकित्सालय का शुभारंभ और बालिका माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत 3 कमरे में बरामदे का शिलान्यास किया गया। उदयपुर के कोटड़ा में ग्राम पंचायत लोहारचा क्षेत्र के वार्ड्स में पिछले 3 महीने से खराब पड़े हैंडपंप के कारण सैकड़ों ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार जिम्मेदार कर्मचारियों को समस्या से अवगत करवाने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसे में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। नागौर के डेगाना में गोपालन और सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने अटल सेवा केंद्र में जनसुनवाई की, जिसमें किलक ने लाखों रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए, जिस पर जनता ने आभार जताया।
मंत्री किलक ने डेगाना में 29 लाख रुपए ग्रेवल सड़क के लिए और 10 लाख रुपए गौशाला के लिए स्वीकृत किए। साथ ही डेगाना में जल्दी पशु चिकित्सालय बनाने की घोषणा की। नागौर के मकराना में मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन स्वर्णकार भवन मोरावड़ में आयोजित किया गया। 11वां विवाह सम्मेलन 18 अप्रैल को ज्वाला माता जोगनेर कस्बे में आयोजित होगा। इस सम्मेलन के लिए 21 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है। भीलवाड़ा के आसन कस्बे में राधा देवी रावत की पुण्य स्मृति में महावीर विश्रांति गृह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक रामलाल गुर्जर, एसडीएम दिनेश चंदाकर ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। शिविर में 93 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। भीलवाड़ा के आसन में शंभुगढ़ थाना क्षेत्र के अंटारी ग्राम में अवैध खनन के मामले में संयुक्त कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई, इससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। भीलवाड़ा के आसन में अंटाली गांव के मध्य स्थित आदि शांति जैन तीर्थ और आदि लक्ष्मी शक्तिपीठ मंदिर में भक्तांबर का पाठ हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में उपजिला अस्पताल परिसर स्थित श्री सेवा संस्थान के नेत्र वार्ड में पल्लवन संस्था की वर्षगांठ के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 71 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्व विधायक अशोक नवलखा, एसडीएम चंपा लाल जिनकर ने किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सामाजिक संगठन मुस्लिम महासभा द्वारा गत वर्ष आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन की 23 वधुओं को एक समारोह में एफडी वितरित की गई। साथ ही उपस्थित उच्च अधिकारियों ने दूसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन भी किया। बाड़मेर की समदड़ी में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने एलईडी बॉल का उद्घाटन किया। भायल ने कहा कि एलईडी बॉल द्वारा भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को आमजन के लिए 24 घंटे प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आमजन को सरकारी योजना का लाभ मिल पाए। बाड़मेर के कल्याणपुर में निकटवर्ती चारलाई खुर्द के राजकीय उच्च प्राथमिक गांव तलिया में राजस्व मंत्री अमलाराम चौधरी ने कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। यहां चौधरी ने कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर हमेशा तत्पर रहती है। इस मौके पर प्रधान हरि सिंह उमरलाई सरकारी योजनाओं की जानकारी उन्होंने दी। नागौर के मकराना के निकटवर्ती ग्राम दिलढाणी में मुस्लिम लोहार कांठावाला 84 पट्टी का 4वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 18 जोड़ों का निकाह करवाया गया। यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पर्वतसर विधायक मान सिंह किनसरिया पहुंचे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। नागौर के मकराना शहर के वार्ड नंबर 44 में सीवरेज चौक होने के कारण उसका गंदा पानी सड़क पर फैलने से वार्डवासियों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने बीमारियां फैलने की आशंका जताई है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद के अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। चूरू के सरदार शहर में भाजपा के 4 मंडलों की बैठक जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला की अध्यक्षता में हुई। यहां पर राज्य सरकार के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। साथ ही 21 अप्रैल को मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने और सभी कार्यकर्ताओं को चूरू चलने का आह्वान किया गया। भरतपुर के कामा में गांव नोनेरा के जंगलों में बिजली के तार टूटने से भूसा जलकर राख हो गया, इससे करीब 30,000 को नुकसान भी हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अजमेर के ब्यावर शहर में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहां पर अज्ञात चोरों ने सदर थाने के ठीक सामने से एक ऑटोमोबाइल्स की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान का शटर तोड़कर करीब 3 लाख के टायर ले गए। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चलिए खबर पंचायत में यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।